किया गए हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि जो हेलोजन है वह प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है। बात कर रहे हैं यहां पर हेलोजन की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कारण। सबसे पहले तो जान ले आखिर हेलोजन क्या होता है। हेलोजन की बात करें तो जो एक्स ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, उनको क्या बोला जाता है, हेलोजन बोला जाता है। तो यहां पर हेलोजन एक्स इज इक्वल टू हो सकता है फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन और इस तरह से आयोडीन, जो कि हेलोजन एटम है। अगर इनकी बात कर ले तो ये क्या बोला गया है कि यह होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात कर ले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कारण, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हेलोजन में क्या है, अगर बात कर ले हेलोजन पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम पर अलग अलग होता है, लेकिन इन सभी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होता है, इन पर 7 होता है। एग्जांपल फ्लोरीन जो कि 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 7 लिखा जाएगा। वैसे ही बात कर ले क्लोरीन की बात कर ले जिस पर होता है 17, जिसे 2, 8 और यहां पर 7 लिखा जाएगा। तो सभी हेलोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जो कि 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वह अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब क्या हो जाएगा यहां से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 लेगा तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनका 8 हो जाएगा, और इसीलिए इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वह ज्यादा होता है। लिखा गया यहां पर समझ ले एक बार इनको, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है हेलोजन में, जिसके कारण हेलोजन जो कि प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति की होती है, कम आबंध वियोजन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उनकी क्षमता, मतलब कम इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेगा ज्यादा पावर के साथ। यही बोले गए हैं यहां पर कि अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि के कारण हेलोजन प्रबलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर ले, हेलोजन जो कि अगर बात कर ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होता है, वह 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसकी वजह से हेलोजन क्या है, माइनस चार्ज, इस तरह से आसानी से हो सकता है, और यही कारण है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। अब बात करें यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अपचयन करता है वह क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। एक बार और देखिए इनको, यहां पर क्या बोले थे हम लोग, अगर ऑक्सीडेशन की बात कर ले और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की अगर बात कर ले तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, डोनेट कर ले, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले वह होता है जो कि रिडक्शन होता है। यह एक प्रोसेस है, रिएक्शन है ना, तो एक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वह ऑक्सीडेशन है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वह क्या है, जो कि रिडक्शन है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिडक्शन की जो रिएक्शन दे रहा है या ऑक्सीडेशन की रिएक्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उस एटम को बोला जाएगा रिडक्सिंग या फिर रिडक्टिंग एजेंट बोला जाता है, और वैसे ही जो रिडक्शन प्रोसेस करता है उस एटम को बोला जाता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। और यहां पर यही बोला गया है कि जो रिडक्शन होता है वह कौन सी वजह से होता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग फाइनली बोले यह है इस पर कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वह होता है रिडक्शन, और उस एटम को कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात कर ले, क्वेश्चन इस तरह से है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इस तरह से आयोडीन, इन चारों में किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अधिक है। तो यहां पर एक ट्रिक याद कर लेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी अधिक होता है। क्या बोले, यहां पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी अधिक होता है उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग
पावर अधिक होता है। यहां पर क्या बोले, फ्लोरीन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, फ्लोरीन कहें उसके बाद क्लोरीन कहें फिर ब्रोमीन कहें उनके बाद आयोडीन कहें, तो इस तरह से यह इनकी आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अधिक होगा। क्वेश्चन एक और दे देते हैं, आपस ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसमें क्वेश्चन दिया गए हैं कि बताइए नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अधिक होता है। चलिए इस क्वेश्चन को कमेंट पर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।